हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो गेट के एग्जाम में ये 3 से 4 नंबर का आता है, और अगर किसी पीएसयूज की बात करें तो उसके अंदर भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जो अभी आपके अपकमिंग पीएसयूज हैं, बार्क हुआ या इसरो हुआ, तो उसमें आपका ये सब्जेक्ट काम आएगा। और काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो इस वीडियोस में मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर इस तरीके से बताऊंगा कि आपको इसके अलावा कहीं और बाहर से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये वीडियोज एक कंटिन्यू एक सीरीज में देखने हैं, तो आपको माइक्रो प्रोसेसर बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। और इसके साथ ही साथ काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप केवल मैथ्स के वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं, तो अब मैं मैथ के साथ ही पैरेलली माइक्रो प्रोसेसर और कम्युनिकेशन और EMT के वीडियोस भी अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के वीडियो आपको सीरीज में मिले, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर से। तो माइक्रो प्रोसेसर में हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं एक एक चीज़ की, तब आपको और आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड चिप डेट हैज़ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और इट इज इलेक्ट्रॉनिक IC डेट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एग्जीक्यूट देम एंड प्रोवाइड रिजल्ट। मतलब एक मेमोरी होती है आपकी, ये मेमोरी हो गई और ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या करेगा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ये काम होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का। तो बेसिकली ये एक IC होती है, ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है और आपको फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। और बेसिकली इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक IC डेट हैज़ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब माइक्रो प्रोसेसर में अ माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट। माइक्रो प्रोसेसर अपने आप से कोई टास्क को परफॉर्म नहीं करता है। जब हम उसको कोई टास्क देते हैं या कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तब उसको वो फॉलो करता है। अब इसकी एक चीज़ और देखते हैं कि इसका नाम 8085 क्यों पड़ा है माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं है, लेकिन अगर आप 8085 पर गौर से देखेंगे तो 80 जो माइक्रो प्रोसेसर आपका आया था वो 80 के डिकेड में आया था, और ये जो 8 है ये आपका डिनोट करता है 8 बिट को। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो वर्क करता है आपका 8 बिट पर, और जो ये लास्ट वाला 5 है ये डिनोट करता है वोल्टेज। तो प्लस 5 वोल्ट के वोल्टेज पर ये वर्क करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इसको 8085 बोल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अगला टर्म है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी प्लस इनपुट प्लस आउटपुट। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा वो कॉम्बिनेशन होगा आपका काय काय का, मेमोरी का, इनपुट का और आउटपुट का। तो जो माइक्रो कंप्यूटर हो गया आपका वो बेसिकली हो गया माइक्रो प्रोसेसर प्लस मेमोरी प्लस इनपुट पोर्ट और प्लस आउटपुट पोर्ट। ये चारों चीज़ें मिलकर बनाता है आपका क्या, माइक्रो कंप्यूटर। अब इफ ऑल टास्क ऑफ CPU परफॉर्म बाई माइक्रो प्रोसेसर देन सच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज माइक्रो कंप्यूटर। अगर जो CPU के जो सारे टास्क हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का, मेमोरी का, इनपुट और आउटपुट का। अब इसमें एक टर्म और आता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर आपका क्या होता है, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है या जो माइक्रो कंप्यूटर के एलिमेंट्स हैं, इसको आपने एक सिंगल चिप पर लगा दिया तो वो आपका बिहेव करेगा एज ए माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप इज नॉन एज माइक्रो कंट्रोलर। अब अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर होगा माइक्रो प्रोसेसर का और सॉफ्टवेयर होगा माइक्रो प्रोसेसर का। तो हार्डवेयर तो हो गया माइक्रो प्रोसेसर का, अब जो सॉफ्टवेयर होगा वो होता है आपका रोम। तो इसमें हम देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी आपकी क्या होती है, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ऑल सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर इन इट। ये माइक्रो प्रोसेसर का इंटीग्रल पार्ट होती है, और जो सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी स्टोर होगी कहाँ पर, रीड ओनली मेमोरी में। रोम कम ऑन पिक्चर एट द टाइम ऑफ पावर स्विचिंग कंडीशन। पावर स्विचिंग की कंडीशन में जो सबसे पहले मेमोरी आपकी आती है वो आती है रोम, क्योंकि जो सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रोम में होती है। आपने किसी डिवाइस का पावर ऑन किया तो सबसे पहले जो मेमोरी एक्सेस होगी वो होगी आपकी रोम। अब देखते हैं रैम। रैम क्या होता है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज एक्सटर्नली इंटरफेस विथ माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो इंटरनली इंटरफेस होती है वो होती है क्या, रीड ओनली मेमोरी, और जो एक्सटर्नली इंटरफेस करते हैं वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑल इंस्ट्रक्शन एंड कमांड ऑलवेज फीड इन इट, जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई कमांड देते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो हम बेसिकली देते हैं कहाँ पर, रैम में, और वो फिर जाती है कहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर में। अब इसमें एक टर्म और आता है आपका बस। बसेस आपकी क्या होती हैं, बसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बस आपकी बाई डायरेक्शनल भी होती है और कुछ यूनी डायरेक्शनल भी होती है। दो डिवाइस को इंटरफेस करने के लिए कुछ वायर यूज करते हैं उनको आप बसेस बोलते हैं, जैसे ये बाई डायरेक्शनल बसेस हो गई और ये हो गई आपकी यूनी डायरेक्शनल। तो ग्रुप ऑफ वायर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन डेट यूज फॉर इंटरफेसिंग बिटवीन टू डिवाइस, दो डिवाइस के बीच में इंटरफेसिंग के लिए बसेस का यूज करते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर इज एग्जाम्पल ऑफ ASCII डिजाइन, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो किसका एग्जाम्पल है, ASCII डिजाइन का। ASCII का मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप, इसका एग्जाम्पल हुआ आपका माइक्रो कंट्रोलर। आप देखते हैं इसमें कुछ लैंग्वेज होती हैं आपकी, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर बात करें हम मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज आपकी बेसिकली आप समझ सकते हैं नाम से ही, मशीन लैंग्वेज 0101101 या बाइनरी लैंग्वेज, तो ये हुई आपकी मशीन लैंग्वेज। इफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन रिटन इन बाइनरी पैटर्न देन सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज मशीन लैंग्वेज, अगर आपके ये कमांड और इंस्ट्रक्शन हमने बाइनरी लैंग्वेज में लिखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, मशीन लैंग्वेज। ये क्या होती है आपकी, इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज। जैसे ये कोई हमने कमांड लिखा है किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए, तो ये उस स्पेसिफिक मशीन पे ही ये आपका प्रोग्राम रन होगा, किसी और मशीन पर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज एंड मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज। जैसे रोबोट हुआ, किसी रोबोट के लिए हमने प्रोग्रामिंग डिजाइन की या बाइनरी पैटर्न में कोई कमांड दी तो वो उस पर्टिकुलर रोबोट के लिए होगी, वो लैंग्वेज किसी और रोबोट पर या किसी और मशीन पर आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो हुई वो हुई आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब इसके बाद दूसरी लैंग्वेज आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो एक बाइनरी पैटर्न रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश लाइक वर्ड डेट इज लाइक निमोनिक्स, अगर जो आपकी बाइनरी पैटर्न थे मशीन लैंग्वेज में उसको आपने इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट कर दिया, जैसे मशीन लैंग्वेज थी आपकी 0101101, इसको आपने इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट कर दिया, जैसे इसको बी कर दिया और इसको सी कर दिया, तो जो ये निमोनिक्स हो गए हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, असेंबली लैंग्वेज। तो इट इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी और उससे जो हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई वो भी आपकी क्या हो गई, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए ही आपकी असेंबली लैंग्वेज परफॉर्म होगी। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हो गई आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। इसमें एक चीज़ होती है आपकी, जैसे असेंबली लैंग्वेज आपके पास है उसको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो आपको एक असेंबलर का यूज करना होगा। असेंबलर क्या करेगा, आपका जो असेंबली लैंग्वेज होगी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो असेंबलर जो हुआ आपका बेसिकली क्या हुआ, इट इज अ ट्रांसलेटर डेट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, इट इज अ सॉफ्टवेयर। इफ ट्रांसलेशन टास्क इज परफॉर्म बाई मैनुअली देन इट इज नॉन एज हैंड असेंबली, अगर इसमें हम असेंबलर का यूज नहीं करते हैं और मैनुअली असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हैंड असेंबली। अब इसके बाद आगे देखते हैं, कंपाइलर एक टर्म होता है और एक इंटरप्रेटर। तो आप लोगों ने अगर सी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो उसमें ये टर्म यूज होते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर होता है आपका, इट रीड्स होल प्रोग्राम एट वंस फ्रॉम सोर्स कोड प्रोड्यूस इट्स ऑब्जेक्ट कोड डेट इज एग्जीक्यूटेड बाई द प्रोसेसर, मतलब जो आपने पूरा प्रोग्राम लिखा कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करेगा और फिर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट इज अ सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है और सी सी प्लस प्लस में इसका यूज होता है। अगला टर्म होता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आपका क्या होता है, इट रीड्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फ्रॉम सोर्स कोड प्रोड्यूस इट्स ऑब्जेक्ट कोड डेट इज एग्जीक्यूटेड बाई द प्रोसेसर। कंपाइलर में आपका पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड कर रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है, एक एक लाइन वो रीड करेगा और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। एक लाइन रीड की, उसका रिजल्ट प्रोड्यूस किया, फिर दूसरी लाइन, फिर उसका रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो ये हुआ कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस। तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर। अब इसमें आगे देखते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपकी क्या होती है, और प्लेटफॉर्म और मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आती है आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अगला टर्म है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी होती है, ऑल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज।
जैसे सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, ये आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब ये आप किसी भी सिस्टम पर इनको रन करवा सकते हैं, किसी भी मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है ये। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा हो गई आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हो गई आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जैसे सोर्स कोड था आपका, सोर्स कोड को आप ऑब्जेक्ट कोड में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा। तो जो सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड होता है आपका यूजर अंडरस्टैंडेबल, इसको यूजर समझ सकता है, यूजर यानी हम हो गए। और ऑब्जेक्ट कोड हो गया आपका मशीन अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस किया हमने सोर्स कोड के द्वारा, उसको आपकी मशीन अंडरस्टैंड करेगी। तो ये हुआ आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम। इनकी बेसिक डेफिनेशन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखनी है इनकी बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। अब हमने जो लैंग्वेजें देखी हैं उनके हिसाब से हम कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करेंगे। अगर फास्टर एग्जीक्यूशन की बात करें तो सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगी आपकी मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये सीधी सीधी आपकी मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है। 01 01 01, और मशीन इसको सबसे जल्दी रीड कर सकती है, तो मशीन लैंग्वेज का सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। फिर अगर हमने इसको इंग्लिश के लेटर से डिनोट किया या असेंबली लैंग्वेज, तो उसका एग्जीक्यूशन में थोड़ी टाइम लगेगा। और हाई लेवल लैंग्वेज होगी सी, सी प्लस प्लस या जावा, तो उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ी और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फास्ट एग्जीक्यूशन होगा आपका मशीन लैंग्वेज का, फिर असेंबली लैंग्वेज का, और फिर हाई लेवल लैंग्वेज का। अब अगर मेमोरी की बात करें तो रिक्वायर्ड लार्ज मेमोरी टू स्टोर, सबसे ज़्यादा मेमोरी आपकी लगेगी हाई लेवल लैंग्वेज को स्टोर करने में, उससे कम लगेगी असेंबली लैंग्वेज को, और सबसे कम आपकी मेमोरी लगेगी मशीन लैंग्वेज को स्टोर करने में। अब अगला देखते हैं इसमें डीबगिंग और ट्रबल शूटिंग। अगर हमें एरर फाइंड करनी है लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज अगर हमारे पास हैं और अगर हमें उसमें एरर फाइंड करनी है, तो सबसे ईजी होगा एरर फाइंड करना हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी या सी प्लस प्लस या जावा में कोई प्रोग्राम लिखा है, तो उसमें हम एरर जल्दी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम है, तो उसमें एरर फाइंड करना आपको थोड़ी टफ हो जाएगा। और अगर मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम है, जैसे 01 01 के फॉर्म में, तो उसमें एरर फाइंड करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो इनको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।